हेलो गाइस, वेलकम बैक ब्रांड न्यू व्लॉग। और जी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज तो सबसे पहले मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, शैम्पू वगैरह फिनिश हुए हुए थे तो मैंने कहा जल्दी से ऑर्डर कर दूं, बिकॉज़ बारिश लगी हुई थी और बाहर जाना बहुत मुश्किल था। तो जल्दी से मैंने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर आ गया, रिसीव हो गया, तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। उसके बाद मैंने ऑनलाइन सोफ़े के कवर ऑर्डर किया। टू डेज बिफोर पार्सल मुझे रिसीव हो गए थे, बट मैंने इनको ओपन नहीं किया। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तभी ओपन करूँगी। बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन अपने सोफे का कवर, और साथ में मैंने ऑर्डर किया अपनी डाइनिंग टेबल चेयर्स के लिए। वाह, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी। आई थिंक मैंने डार्क ऑर्डर किया था, ये थोड़ा लाइट है, अच्छा लग रहा है, कोई बात कुछ। अब ये तो पहले मैं उसको चेक करूँगी और फिर पता चलेगा कैसा है। सीट का और ये बैक पे, और फिर मैं इसको करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं साइज और मैंने ये ऑर्डर किए थे फ्रेम, और जो कि फैमिली फ़ोटो वगैरह लगाने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत थे। और इसमें जो है ये कुछ अल्फ़ाबेट से कुछ राइट हुआ हुआ है, लव फॉर एवर आई थिंक, और बटरफ्लाई हैं। ये बहुत ही प्यारे सी पेस्ट होकर बहुत अच्छा लगेगा, बट आई थिंक सो ये अगर वुड में होते अल्फ़ाबेट तो बहुत अच्छे लगते। और मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करती हूँ फाइनल लुक इनकी किस तरह की होगी। इस तरह होगी, आप लोग मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। काफ़ी सारे हैं पर साइज इन सबकी सेम है। ये हुक्स थी मेरे साथ इनकी, चलें फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी प्रॉपर तरीके से डेकोरेट करके, वॉल पे पेस्ट करके। यहाँ पे मेरे बन रहे हैं पराठे, और ये मैं यहाँ पे बेल रही हूँ। उठते साथ सबसे पहले मैंने पार्सल वाला काम फिनिश किया, उसके बाद मैंने बनाया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए हैं पराठे, और साथ मैंने निहारी बनाई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके बाद जी मेरी जान को मैंने शॉवर दिया था, आज जुम्मा मुबारक था, तो मैंने सोचा इसको मैं अच्छी तरह शॉवर वगैरह देने के बाद कुर्ता वेयर करवाऊं। और पहले मैंने इसको फर्स्ट टाइम जब कुर्ता वेयर करवाया था तो पाकिस्तान से बने हुए आए थे, तो इसको बहुत छोटे थे कुर्ते, और सॉरी बड़े थे। और फिर मैंने इसको अभी वेयर करवाया तो इसको माशाल्लाह से परफेक्ट है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा खेलने के लिए टॉयज रख दिया कि ये खेले में और काम फिनिश कर। जी अभी ये मैंने हादी ड्रेस निकाला है जुम्मे की नमाज के लिए, अब हादी ये वेयर करेगा। मोहित सोनू ने तो ये वाले वेयर किए हैं और अब हादी ये वेयर कर। और हादी को मैंने इतनी मुश्किल तरीके से कैप्चर किया, वो बिल्कुल कैप्चर नहीं करने देता अपनी वीडियो और पिक्चर। और जब अभी साकिब और हादी नमाज के लिए तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, इधर देखे ना, और बस अभी ये नमाज के लिए जा रहे हैं। बेबी को भी, बेबी को भी लेकर जाना है, बेबी अभी बहुत छोटा मेरी जान। चलो ओके नमाज। और जब साकिब और हादी जा रहे हैं नमाज को, हादी लोग कैसे मामा, हादी से बाय 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 हगी। ये मुझे कह रहा है कि आप घर के अंदर जाओ तब मैं ओके ओके आई गो बाय बाय। ये बच्चों का हाल चेक करें। और जी उसके बाद मैं आ गई थी जापान मॉल नमाज वगैरह अदा करने के बाद, और मुझे यहाँ से कुछ सामान चाहिए था। मुझे फ़ोटो फ्रेम चाहिए थे थोड़े बिग साइज़ के, जिसमें मैंने चार कुल लगाने थे, क्योंकि हांगकांग में इस तरह के आयात वगैरह जो हैं चार कुल हो गए द्रोशी इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से कोई फेसबुक पर चेक करो तो मिलती हैं। तो मैंने कहा मैं ऐसे करती हूँ कि स्क्रीन शॉट ले कर और मैं इसको पिक्चर को डिवेलप करवा लेती हूँ, तो उसमें मैं फ्रेम में लगा लूँगी। और आयतल कुर्सी तो मैंने लगा ली है, बहुत माशाल्लाह प्यारी लगी है। और चारकुल था तो वो मेरे बहुत बड़े फ्रेम आ गए थे, तो वो उसमें साइज जो है इक्वल नहीं है।
But I need a four pieces. Not this. Same like I show you picture already. You have another side? No. You have. Can I order today? No. Can I order today? Show me this one. Show me. This one how much? Just two. I need a four. Need a four. Huh? Yeah, I need the same like four. This size is okay, no problem. Because the fan chula. But I need a four. Japan mall से बाहर निकला है. अब देखती हूँ मैं अगर कहीं और से फ्रेम मिलते हैं. मुझे फ्रेम चाहिए फोर सेम साइज के ब्लैक कलर में. ऊपर भी एक शॉप है वहाँ चल के देखते हैं. आज मैं लिफ्ट के पास बस लेटर से निकल के लिफ्ट पे जाऊँगी और मुझे बहुत अदर हो रहा है. उसको मैंने हाथ में खा लिया है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हादी सो चुका है और जी मैं सर ड्राइस क्लीन अप कर रही थी. मुझे कहते हैं मम्मा आप प्लीज़ मेरी ड्राइस क्लीन अप ना करें. मुझे एक फ़ौरन से गाड़ी इसने उठा के अपने पास रख ली. और अक्सर ये सोते हुए मतलब मोस्टली ये ऐसे ही करता है कि अपनी ड्राइस अपने पास रख के सोता है. और फिर जब ये सो और जी मॉल से वापसी में मुझे बहुत रो रहा था और मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी. और बस यहीं भी अपने व्लॉग का एंड करती हूँ. मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर मस्ट है. और ये देखें हाथी टीवी देखते देखते ही सो गया. अल्लाह हाफिज़. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो. वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए.